बिग बॉस 13 से अरहान खान हुए घर से बाहर। अब जल्द नॉमिनेशन को लेकर घर में होगा खूब सारा बवाल। हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनवी सूद। आपका एक बार फिर से स्वागत है बिग बॉस के अड्डे में। आज मेरे साथ है प्रशांत और यास्मीन। सबसे पहले प्रशांत से जान लेते हैं कि कल के एपिसोड में क्या क्या खास हुआ। तन्वी, इस बार के वीकेंड का बार जो था वो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि काफी सारे छोटे छोटे टास्क हुए थे जो काफी फनी भी रहे और कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशनल पल भी रहा। तो जब सबसे पहले बात करते हैं क्या फनी मोमेंट रहे, सबसे पहले तो कल टैग्स दिए गए, परसों मतलब वीकेंड के बाद सैटरडे संडे मिला करके सैटरडे को टैग्स दिए गए थे घर वालों को, किसी को लीडर का, जैसे लीडर सैफाली जरीवाला बनी, उसके अलावा एंटरटेनर भाऊ बने, स्लो मोशन का रश्मि को दिया गया और कायर का विशाल को दिया गया। तो पहले इन लोगों ने अपनी आपसी सहमति से ये जो बोर्ड्स थे खुद लिए, फिर उसके बाद बाहर से जो जनता की जो राय है उसके अकॉर्डिंगली उनको वो चीज मिली। तो ये कल काफी इंटरेस्टिंग परसों टास्क रहा। इसके अलावा कल भी काफी इंटरेस्टिंग रहा। सबसे पहले तो पागलपंथी की टीम आई थी, अनिल कपूर और पुलकित सम्राट आए थे, उन्होंने काफी फनी इंटरेस्टिंग टास्क कराया कल घर में, एक केले वाला टास्क जिसमें सभी कंटेस्टेंट्स को ये बताना था कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा बकवास कौन है इस शो के लिए, कौन बकवास करता है। तो वही केले सबको ज्यादा मिले, तो वो थी पारस थे और शहनाज को ज्यादा मिला। इसके अलावा एक और कल इंटरेस्टिंग टास्क हुआ, थप्पड़ वाला टास्क, जिसमें हिंदुस्तानी भाव को काफी चांटे पड़े, शेफाली जरीवाला को भी काफी चांटे पड़े और पारस को भी काफी चांटे पड़े, इन तीनों को ये टास्क मिला। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग टास्क रहा वैक्सिंग टास्क। वैक्सिंग टास्क में सबसे ज्यादा जिन्होंने सुर्खियां बटोरी वो थे सिद्धार्थ और देबोलीना, क्योंकि देबोलीना उनकी गोदी में बैठ करके वैक्सिंग कर रही थी, जो काफी फनी लग रहा था। रश्मि ने विशाल का किया, भाव का माहिरा ने किया, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग रहा। लेकिन एक इमोशनल पल तब आया जब अरहान खान कल घर से आउट हो गए, उन्हें बेघर कर दिया गया है। नॉमिनेशन हुए थे 11 लोगों का, जिनमें सबसे कम वोट दर्शकों ने अरहान को दी, जो कि काफी शॉकिंग रहा, उन्हें सबसे कम वोट मिली तो वो बेघर हो गए। तो इस बार का वीकेंड का बार वाकई में काफी एंटरटेनिंग और धमाकेदार रहा। यास्मीन, ना हम अरहान खान की बात तो बाद में करेंगे जो वो इविक्ट हुए हैं घर से, उससे पहले हम आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि नॉमिनेशन को लेकर काफ़ी सारा बवाल होने वाला है। देखा जाएगा कि पारस और माहिरा नाम, जिनको कन्फेशन रूम में जाके दो दो नाम लेने होंगे जिन्हें वो सेव करना चाहते हैं, लेकिन वो देवोलीना और रश्मि का नाम नहीं लेंगे, जिसे लेकर खूब बवाल होगा घर में। तो उस पर क्या कहना है? हाँ, ऐसा एक टास्क होने वाला है जहाँ बिग बॉस कहते हैं कि सब कन्फेशन रूम में जाएंगे एक एक करके और सबको मतलब नॉमिनेशन से बचाने के लिए दो दो नाम सबको लेने हैं। तो पारस और माहिरा में से ऐसा होता है कि कोई भी रश्मि का नाम नहीं लेता है, तो जिस पर रश्मि जो है वो भड़क जाती है काफ़ी कि मतलब मेरा ना तुमने नाम लिया ना माहिरा ने नाम लिया, दोनों को कहती है पारस और माहिरा को। तो इस वजह से अब माहिरा का जो एक्चुअल अभी तक उन्होंने नहीं कहा था इस चीज़ को लेकर, क्योंकि पहले भी देखा गया था कि जब रश्मि को माहिरा को उन्होंने माहिरा को सेव किया था, इस वजह से वो टॉप 5 और टॉप 6 से निकल के बाहर हो गई थी, वो घर से बेघर होना पड़ा था उन्हें। तो अब देखा गया है कि इस वजह से अब माहिरा बहुत टाइम से सुनते आ रही हैं, तो अब वो बर्स्ट अप हो चुकी हैं, उन्होंने बोल दिया ये चीज़ कि मैं हमेशा सुनते रहूँगी क्या ये सब चीज़ें, मतलब कितने दिनों तक मैं ये सब चीज़ें सुनूंगी कि आप 4 दिन के लिए बाहर रह कर गई और उसके बाद फिर मुझे बता रहे हो आप दोबारा से। तो मतलब इस चीज को लेकर दोस्तों के बीच में लड़ाई होगी। डेफिनेटली मैं भी एक चीज बात करना चाहूंगा कि अभी तक जो नॉमिनेशन टास्क हुए हैं घर के अंदर वो कोई ना कोई तरीके का वैसा टास्क हुआ है कि जिनमें से कुछ दावेदार चुने जाते हैं फिर वो बनते हैं या फिर रद्दी हो जाता है। लेकिन इस बार बिग बॉस ने खेल खेल दिया है, क्योंकि अब बाहर के लोगों को भी पता चलेगा कि आखिर कौन किसके साथ खेल रहा है। जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला थे, उन्होंने आसिम का ही नाम लिया, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा कि हाँ वाकई में ही दोस्ती है। लेकिन जैसे कि हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं दो ग्रुप्स को लेकर के, जहाँ एक तरफ दोस्ती का ग्रुप है वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल ग्रुप है, तो वो पॉलिटिक्स साफ देखी गई कल नॉमिनेशन के दौरान। रश्मि का नाम ना ही तो पारस ने लिया ना ही माहिरा ने लिया, विशाल को माहिरा ने बचा लिया, और उन दोनों ने शायद इस वजह से ही नहीं बचाया कि उन्हें लगा रश्मि स्ट्रांग है, लेकिन रश्मि इसी चीज को लेकर उन पर भड़क भी गई। आरती ने शेफाली जरावाला को पहले भी एक बार उनको वोट दे करके घर का कप्तान बनाया था, भाई उन्होंने इस बार फिर उनको सेव किया है। तो कहीं ना कहीं जो दूसरा वाला ग्रुप है वो कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर पारस और माहिरा ने ठीक नहीं किया इसको लेकर के। हाँ, इस चीज से एक चीज तो साफ हो गई कि इन दोनों में दोस्ती तो नहीं दिख रही कहीं से भी, जो इतने दिन से ये दोस्ती का अपना टैग लेकर चल रहे थे कि दोस्ती हमारे बीच बहुत एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। रश्मि ने ही जब वो टास्क हुआ था टिकट टू फिनाले वाला जो पढ़ाओ के लिए था, तो उसमें पारस का साथ दिया था, रश्मि की वजह से ही पारस जीते थे
उस वक्त डेफिनेटली रश्मि ने साथ दिया था, पर भाई है ना अब कोई किसी का, जैसे कि इस वाले ग्रुप का तो शुरू से ही हर किसी को पता है कि ये सिर्फ गेम के लिए और पॉलिटिकली ग्रुप बना है, प्रॉपर फ्रेंड वाला ग्रुप ये ग्रुप है ही नहीं। तो उसमें अब दिख गया, अब रश्मि जो अभी तक स्लो मोशन में चल रही थी, अब उन्हें वो बोलती भी नजर आई कि अब बताऊंगी, अब मैं ये करूंगी, तो कहीं ना कहीं अब रश्मि बिल्कुल खुल करके खेलने वाली है। नहीं लेकिन इससे पहले ऐसा हुआ था ना कि सब लोग मतलब उस वाले दोस्ती वाला जो ग्रुप है सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज वाला, तो इन सब के ऊपर सबने उस टाइम उंगली उठाई थी कि इनकी दोस्ती ऐसी नहीं है, दोगले हैं वगैरह वगैरह, काफी चीजें कही गई थी। अब तो ये साफ देखा जा रहा है कि ये जो दूसरा ग्रुप था दोस्ती वाला, दोस्ती तो कहीं से नहीं, एक दूसरे के सगे नहीं। एक्चुअली यास्मीन ये तो बोला ही नहीं गया था कि ये वाला ग्रुप दोस्ती वाला है, पॉलिटिकली बोला था, लेकिन उस टाइम पर पॉलिटिकली देखा जाए तो रश्मि ने पारा छाबड़ा का उन्होंने साथ दिया था जो वो फर्स्ट फिनाले में पहुंचे। लेकिन बीते एपिसोड में अगर देखा जाए, चलो नॉमिनेशन में बचा लिया, लेकिन जिस तरीके से ग्रुप में दरार पड़ी थी टास्क के दौरान, सिद्धार्थ शुक्ला ने जो आसिम की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी थी, वो वाकई में बिल्कुल खराब थी। जब दोस्ती होती है तो दोस्ती हो भी जाती है, अगर किन्हीं दो लोगों के बीच लड़ाइयां हो जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर के लिए लड़ाई हो जाती है। अगर दोस्ती होती है तभी वहां पर दोबारा से होम डिलीवरी वाले टास्क में रश्मि ने ही मतलब सब मेंबर्स ने मिलकर ही पारस को बचाया था, माहिरा को बचाया था, तो उस टाइम पे आपने ही ये चीज़ कही थी प्रशांत कि मतलब दोस्ती देखी जा रही है इन दोनों की और वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, एफर्ट नहीं लगाया गया, गिव अप कर दिया। दोस्ती देखी जा रही है ना, तो चलो दोस्ती देखी भी जा रही है तो दोस्ती के लिए उन्होंने किया ना, अब यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला ने भी कर दिया। और ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने आसिम के साथ गलत नहीं किया, वहाँ पर भी उन्होंने लड़ाई हुई, सलमान खान ने खुद बोला भी कि आसिम ने बहुत अच्छा खेला, जबकि सिद्धार्थ शुक्ला पूरे टाइम यही बोलते नजर आए कि इसने गिव अप कर दिया, ये कुछ नहीं कर रहा, इससे हो नहीं रहा है, तो ये हमारे ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं। लेकिन ये बात तो आसिम ने भी कही थी कि गिव अप कर दिया आपने, तो एक दूसरे को दोनों ने कहा है ये, आसिम ने, सलमान खान ने तो नहीं बोला ना आसिम के लिए, तो लेकिन सलमान ने सिद्धार्थ शुक्ला को नहीं बोला, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के आगे ठीक थे इस मामले। प्रशांत यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला की बात नहीं हो रही, बात ये है, मुद्दा ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पारस, माहिरा और विशाल अब मिलकर देवोलीना और रश्मि को साइड करके अपने कोई गेम प्लान चला रहे हैं। डेफिनेटली रश्मि और जो देवोलीना हैं दोनों ही काफी स्ट्रांग हैं और कहीं ना कहीं इन दोनों से हर किसी को डर रहता ही है, अगर इनके साथ नॉमिनेशन में आ गए तो कोई भी भार हो सकता है। लेकिन विशाल, माहिरा और पारस में से अगर मैं देखूं तो विशाल काफी स्ट्रांग है, क्योंकि वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से भी मैंने देखा था तो विशाल को इन दोनों से काफी ज्यादा वोटें मिली थी, और विशाल एक अच्छा गेम प्लेयर है, अच्छे गेम प्लेयर है, काफी अच्छा खेल भी रहे। मतलब बोल सकते हैं यास्मीन के जो संस्कारी प्लेबॉय है वो चाहते हैं कि विशाल उनकी साइड में रहे, सिद्धार्थ शुक्ला की साइड ना जाके, और उनके साथ एक टीम अप कर रहे हैं और उन्हें भरोसा दिला रहे कि अगर मैं तुम्हें नॉमिनेशन में बचाऊंगा तो आगे जाके उनका बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी तक ऐसे ही देखा गया है कि विशाल जो है ना अभी इस टीम की तरफ है ना इस टीम की तरफ है। अब मुझे मेरे को यहां पे ये भी देखना है, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आखिर शहनाज गिल जो है वो आखिर किन दो लोगों को बचाती है, और रश्मि जो है क्योंकि अरान बाहर हो चुके हैं तो अब वो देवोलीना के अलावा बचाएंगी। हां कि देवोलीना उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और दूसरी तरफ रश्मि माहिर और पारस को इतना लेकर के बोल रही है मेरा नाम नहीं लिया, तो मुझे ये भी देखना है कि आखिर रश्मि किन दो लोगों का नाम लेती है और शहनाज गिल जो कभी इधर जा रही है कभी इधर आ रही है, एक्चुअली मैं वो किन दो लोगों मतलब आज का जो नॉमिनेशन होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी बवाल, यूं मैं कहूं तो बवाल मचने वाला है बिल्कुल नॉमिनेशंस में, क्योंकि अब ट्रू कलर्स अब सबके बाहर निकल करके आएंगे, दोस्ती कितनी सगी है अभी ये पता चल रहा है, घर के अंदर भी बाहर भी लोगों को अब दिखेगी। बिल्कुल, अब हम बात कर लेते हैं अरहान के इविक्शन की, जो काफी शॉकिंग था। अरहान ने खुद बाहर आके ये बात बोली कि उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो बाहर निकल गए। प्रशांत क्या लगता है, अरहान को निकलना चाहिए था या उनके बदले किसी और को निकलना? मेरे हिसाब से अरहान को डेफिनेटली नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि अभी तक जितने भी हफ्ते उन्हें हो गए हैं शो में आए हुए वो काफी अच्छे से दिख रहे थे, काफी कुछ कर रहे थे, इवन जो उन्होंने पिछला टास्क भी किया तो वो भी आसिम से काफी अच्छा किया था, जीते थे वो, तो वो काफी दिखाई दिए। रश्मि के साथ भी उनकी बॉन्ड काफी अच्छी लगी, क्यूट सी केमिस्ट्री अच्छी लग रही थी कि लोगों को लग रहा था हाँ कि धीरे धीरे अब कुछ आगे इनके बीच होने वाला है। हाँ। अब जब वो बाहर भी हो गए तो उन्होंने इंटरव्यू में भी इस चीज के लेकर के बोला है कि वो सोच ही रहे थे कि वो आगे रश्मि को प्रपोज करें शो के अंदर। बिल्कुल, तो उन्होंने ये बात बोली कि हमारी सिर्फ दोस्ती थी लेकिन मुझे घर में जाने के बाद, दोनों ने ही बोला हमारी दोस्ती है लेकिन घर में जाने के बाद पता चला, पर ये मुझे उनका यहाँ पे फेक लगा के रियलाइज किया, क्योंकि दो साल पहले एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, पर वो कहीं ना कहीं प्रपोज करते शो में तो दर्शकों को काफी अच्छा लगता, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि अभी तो कोई लव एंगल दिखने को मिल नहीं रहा है बिग बॉस में, लव एंगल देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन उनके बीच में थोड़ा थोड़ा कल जैसे कल वो जा भी रहे थे तो रश्मि काफी रोइंग थी, उन्हें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, और वो बोल भी रहे थे जाते वक्त अरहान के रश्मि का ख्याल रखना, तो
देखने को लग रहा था, मुझे नहीं लगता दोबारा। रश्मि ने भी ये चीज कही थी जब सलमान सामने थे तो उन्होंने पूछा था कि अरहान को लेकर, तो उन्होंने ये भी कहा था कि अरहान जो है वो मेरी फैमिली की तरह, मैंने पहले ही कह चुका हूं, ही इज मोर देन माय फ्रेंड। एक चीज और, जो अरहान खान है उनको लेकर के ना सिर्फ हम लोग शॉक्ड हैं, घर वाले शॉक्ड हैं, बल्कि देश की जनता भी काफी शॉक्ड है। ट्विटर पर भी फैंस अपनी भड़ास निकाल रहे हैं कि आखिर अरहान को ही क्यों, हिमांशी और खेसारी लाल यादव ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है शो के अंदर जिस वजह से वो बने रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से हिमांशी और खेसारी लाल यादव बच गए अरहान के कंपेयर। तो अब मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में, वीक्स में, अब मुश्किल है खेसारी का बचना। क्या लगता है यास्मीन तुम्हारी तरफ से कि अरहान के बदले कौन निकलना चाहिए था? अभी फिलहाल तो मैं अरहान को अभी नहीं निकलना चाहिए था, मैं यही कहना चाहूँगी कि अरहान को अभी, अरहान अभी घर में बहुत अच्छा खेल रहे थे, जैसे रश्मि के साथ भी उनकी केमिस्ट्री देखने को अभी मिलनी शुरू ही हुई थी कि अभी मतलब 2 वीक हुए और उन्हें बेघर होना पड़ा, तो उनके अलावा भी 2 लोग थे, हिमांशी थी, खेसारी थे, इन दो, तो हिमांशी को भी छोड़ो, खेसारी को बाहर होना चाहिए था कि वो अभी तक मतलब पता ही नहीं चल रहा था वो घर में है नहीं है, सलमान को टोकना पड़ गया उन्हें कि आप दिख नहीं रहे हो घर में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने के बावजूद, तो भी मतलब खेसारी को घर से बाहर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। प्रशांत जाते जाते अपकमिंग एपिसोड की बात करें, भी अपकमिंग एपिसोड में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, जैसे भी हमने बात करी नॉमिनेशंस की, तो ये तो बवाल मचेगा ही मचेगा। इसके अलावा एक टास्क भी होगा जिसमें अभी क्लियरली समझ नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं देबोलिना और शेफाली जरीवाला इसको लीड करेंगी और घर में शायद कुछ सामानों को दुबका दिया जाएगा, वही उन सामानों को लेकर ग्रुप्स बट के चोरियां वगैरह होंगी, तो ये टास्क होगा, शायद लग्जरी बजट टास्क भी हो सकता है, अगली कैप्टन के लिए भी हो सकता है, तो ये सब देखने को मिलेगा आज। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही, हम आपके लिए बिग बॉस का अड्डा लाते रहेंगे, आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि पारस और माहिरा कहीं ना कहीं देवोलीना और रश्मि को धोखा दे रहे हैं या नहीं।